हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सॉफ्ट टॉयज क्लीन करना बताऊंगी अपनी इस वीडियो में। इसके लिए आपको सर्फ एक्सल लेना है। थोड़ा सा सर्फ एक्सल ले लीजिए, 2 चम्मच करीब, और उसको अच्छे से घुमा लीजिए ताकि वो अच्छे से घुल जाए पानी में। जब सर्फ एक्सल पानी में अच्छे से घुल जाए, उसके बाद आप एक एक करके जो भी आपके सॉफ्ट टॉयज हैं पानी में डाल दीजिए, जैसे मैं डाल रही हूँ। और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। आधे घंटे के अंदर जो है ये टॉयज आपके बिल्कुल क्लीन हो चुके होंगे। सो मैं आधे घंटे से ज़्यादा कभी भी टॉयज़ को वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते टॉयज़, और बहुत ही ईजिली क्लीन भी हो जाते हैं। सर्फ एक्सल के पानी में बहुत ईजिली क्लीन हो जाते हैं टॉयज़, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो जेंटली मैं क्लीन करूँगी और आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी, मशीन को घुमा के रख दूँगी आधे घंटे के लिए, और जब तक ये क्लीन हो जाएगी तब तक मैं अपना कुछ और काम कर लूँगी। मेरे जो टॉयज़ हैं वो अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और सो मैं मशीन बंद कर दूंगी और इनको मैं डायरेक्ट सुखा लूंगी। इससे क्या होगा, इनका जो भी सर्फ का पानी है सारा वो क्लीन हो जाएगा और ये सूख जाएंगे। उसके बाद इनको खंगालने में बहुत ही ईजी होगा और पानी भी आपका बचेगा, वेस्ट भी होगा आपका पानी। सो मैं ऐसे ही करती हूँ, बहुत ही ईजी प्रोसेस है ये। आप भी इसको ट्राई करके देखना, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत ही ईजी वे बता रही हूँ आपको मैं टॉयज को क्लीन करने का। सो मैं ऐसे ही करती हूँ, डायरेक्ट इनको निकाल लेती हूँ सर्फ के पानी से और ड्राई कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसको खंगालती हूँ। सो मेरे जो टॉयज हैं वो ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको सारा एक एक करके टॉयज सारे निकाल लूँगी और उसके बाद मैं नॉर्मल पानी से इनको खंगाल लूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने टॉयज जो है साफ पानी से धो लिए हैं। सो मैंने आपको ये बहुत ही इजी वे बताया, इससे आपके पानी की बचत होगी और पानी बचाना बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में। तो मैं यही प्रोसेस यूज़ करती हूँ टॉयज धोने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, इससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। सो अब मैं इनको ड्राई करने के लिए रख दूँगी फाइनली, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इनको पंखे की हवा में ही सुखाने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी है। नॉर्मल ये पंखे की हवा में ही अच्छे से ड्राई हो जाता है। सो देखते जाइए आप। तो फ्रेंड्स, मेरे जो टॉयज हैं ड्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी और एक एक करके मैं सारे टॉयज को जो है बाहर निकाल के सुखाने के लिए रख लूँगी। देखा, मेरे सारे टॉयज जो है अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, और आप देखिए इनको बहुत ही क्लोज मैं आपको दिखा रही हूँ अपने टॉयज को, और ये बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। और कितना इजी प्रोसेस था, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। बाय बाय।